नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 भाग है। यदि खेत का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात करो। ठीक है, उसने कहा एक खेत है और खेत कैसा है, खेत है आयताकार। ठीक है, तो हमने एक आयताकार खेत बना लिया। उसने कहा कि जो उसकी चौड़ाई है उसकी लंबाई का 3/4 भाग है। तो हमें मान के चलते हैं कि उस खेत की जो लंबाई है वह है x है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि उसकी लंबाई क्या है, x मीटर है। ठीक, अब जब लंबाई हमने x मीटर मान ली है तो चौड़ाई कैसे निकलेगी। चौड़ाई उसने कहा है कि लंबाई का 3/4 भाग है, तो लंबाई हमारी x है, इसमें हम 3/4 का गुणा कर देंगे, यानी 3x/4 मीटर, यह हमारी चौड़ाई हो गई। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3x/4 मीटर। ठीक है, तो यह हमारी चौड़ाई हो गई और ये लंबाई हो गई। अब आगे प्रश्न बोलता है कि यदि खेत का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर हो। ठीक है, उसने हमें दिया है कि जो खेत है उसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 300 वर्ग मीटर। ठीक है, खेत का क्षेत्रफल हमें दिया है। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो जो आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी एल मल्टीप्लाई बी बराबर आएगा 300। लंबाई की वैल्यू है एक्स और चौड़ाई की वैल्यू है 3x/4 बराबर हो जाएगा 300। अब यहाँ गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 जाएगा ऊपर तो 300 × 4 और नीचे हो जाएगा 3 से काटेंगे 100 बार जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 400, तो एक्स बराबर क्या निकल के आएगा, 20 मीटर। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। अब हमें निकालना है लंबाई और चौड़ाई को। तो हमने लंबाई बराबर क्या माना था, लंबाई बराबर था एक्स और एक्स की वैल्यू ही आई है 20 मीटर, तो लंबाई तो निकल के आ गई 20 मीटर। अब हमें निकालना है चौड़ाई को, तो चौड़ाई हमने मानी थी बी और बी बराबर क्या था, 3x/4, तो 3 × 20/4, 4 से डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा, तो 5 × 3 = 15 मीटर। ठीक है, तो लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर, ये दोनों निकल के आ गए। ठीक है, तो यह एक सिंपल सा सवाल था, इसमें आपको लंबाई और चौड़ाई का एक रिलेशन दिया था, उस रिलेशन से हमने मान लिया और जो क्षेत्रफल दिया था उसकी सहायता से हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई। जब x की वैल्यू प्राप्त हो गई तो उसकी सहायता से हमने लंबाई को निकाला और चौड़ाई को निकाला। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।